हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड की सीरीज जिसका जिसके अंदर हम सीखेंगे मेलिंग एड्रेस। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे इसमें एमएस वर्ड की जो सीरीज चल रही है उसके अंदर हमने मेलिंग सीरीज सीखेंगे। इससे पहले हमने रेफरेंस पेज लेआउट और डिजाइन होम इंसर्ट वगैरह ये कंप्लीट कर लिए। यदि आपने अभी तक हमारे वो वीडियोज नहीं देखी है तो कृपया नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी सीरीज का लिस्ट दे रखी है जहां से आप उसको देख सकते हो। तो चलते हैं हम अपने मेलिंग वाले मेन्यू पर। इसमें सबसे पहले आता है क्रिएट। क्रिएट में मतलब एनवेलप और लेबल्स। एनवेलप आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर किसी को भी हम लेटर सेंड करते हैं तो उसके लिए यहाँ पर जैसे एड्रेस होता है, यहाँ पर सपोज करो मैं दे देता हूँ कि जयपुर राजस्थान, ठीक है। यहाँ पे मैंने एड्रेस दे दिया है, इसका डिलीवरी एड्रेस हो जाएगा ये वाला, ठीक है। और यहाँ पर मैंने रिटर्न एड्रेस में डाल दिया न्यू दिल्ली इंडिया, ठीक है। यदि मुझे वापस रिटर्न भी करना होगा तो यहाँ पे न्यू दिल्ली इंडिया आ जाएगा, ठीक है। यदि आपको सिर्फ डिलीवरी एड्रेस लिखना है, यहाँ पर रिटर्न एड्रेस नहीं लिखना है, तो यहाँ पर ऑनबिट पे आप क्लिक कर सकते हो जिससे आपको सिर्फ जो डिलीवरी एड्रेस है वही शो करेगा। अदरवाइज आप दोनों एड्रेस लिखना चाहते हो तो इसमें अनचेक कर देना ताकि आपको न्यू दिल्ली इंडिया भी लिख सके। कई बार आपने पोस्टल्स देखे होंगे ऊपर, जो पोस्ट हमारे पास घर पे पोस्ट आती है उसमें रिटर्न एड्रेस भी इंक्लूड होता है, कहीं में नहीं होता है, तो वो यहीं से यूज किया जाता है दोस्तों। यहाँ पर उसका पेज क्रिएट किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे उसको यूज कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं एक बार ऐड करके इसको, ये देखो ये हमारा जो पेज होता है वो इस प्रकार से होता है लेटर का। यहाँ पे हमारा ये हो गया रिटर्न एड्रेस और ये हमारा आ गया पोस्टल एड्रेस। तो इस प्रकार से अगर हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे एनवेलप कर दिया और यहाँ पे हम लेबल्स, यानी कि ये सेम लेबल्स के हमें कई डॉक्यूमेंट सेंड करने होते हैं तो हम क्या करते हैं यहाँ पे सेम एड्रेस यहाँ पे लिख देते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिख रखा है जो डिलीवरी एड्रेस है वो यहाँ पे मैंने लिख रखा है। सपोज करो आप यूज करना चाहते हो कि मुझे रिटर्न एड्रेस यूज करना है यहाँ पर, तो आप यहाँ पे चेक करके रिटर्न यूज भी कर सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से हम यहाँ पे लेबल्स कई सारे डॉक्यूमेंट्स पे लगा सकते हैं। और इसमें यहाँ पे आके न्यू डॉक्यूमेंट से आप क्लिक करोगे तो आपके सामने लेबल्स क्रिएट हो जाएंगे, जैसे जयपुर राजस्थान और जयपुर राजस्थान। इस प्रकार से यहाँ पे लेबल्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों समझ में आए होंगे, एनवेलप और लेबल्स। जब भी हम लेटर्स वगैरह सेंड करते हैं तो उसके लिए यूज में होता है ये, ठीक है। हम नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर हमारा है स्टार्ट मेल मर्ज। मेल मर्ज में दोस्तों आप यदि किसी के डॉक्यूमेंट्स, ईमेल्स, एनवेलप, लेबल्स, डायरेक्टरी, जो भी आप कई सेम एक लेटर्स होते हैं वो हमें कई बंदों को भेजने पड़ते हैं, यानी कई जैसे सपोज करो मैं आपको एग्जांपल बता दूं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं तो उनको जो सेल स्लिप होती है वो सबको भेजनी पड़ती है हर महीने। तो वो कैसे क्रिएट करते हैं, वो यहीं पर क्रिएट करते हैं दोस्तों। इसमें मेल मर्ज के थ्रू ही यहाँ पर वो क्रिएट की जाती है। आपको मैं थोड़ा सा एग्जांपल बताऊंगा, फिर उस वीडियो को हम बाद में लेके आएंगे सेल स्लिप कैसे यहाँ पे क्रिएट की जाती है, ठीक है। सिर्फ 5 मिनट के अंदर यहाँ पे हजारों सेल स्लिप क्रिएट कर देंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे सेलेक्ट रिसिप्ट, यानी कि हमें किस किस को भेजनी है उसका आप रिकॉर्ड यहाँ पे करना पड़ेगा टाइप। तो टाइप है न्यू लिस्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे आपको मेन्यू दिख रहे हैं, टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस लाइन 1 वगैरह, यहाँ पे बहुत सारे फील्ड्स है दोस्तों। यहाँ पे आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो, कस्टमाइज वगैरह कर सकते हो, जो भी करना है आपको। फिलहाल मैं इसमें से कुछ यहाँ पे कस्टमाइज कर लेता हूँ। यहाँ पर आप कस्टमाइज पे कॉलम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे दे रखे हैं तो मैं यहाँ पे कुछ लाइन्स वगैरह हटा देता हूँ, जैसे मुझे टाइटल हटा देता हूँ यहाँ से मैं, ठीक है। आपको समझाने के लिए यहाँ से कम मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ पे रख सकते हो। यहां से मैंने इनको क्लीज कर दिया है, ठीक है। जो भी आपको डिलीट करना है उस पर आप क्लिक करके हाईलाइट हो जाएगा, उसके बाद में आप उसको डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने यहां पर इसको डिलीट कर दिए हैं। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट हो आप इनके नेम भी चेंज कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो, जो भी आपको ऐड करना हो वो यहां से सब कुछ हो जाएगा दोस्तों, इसे ऐड और रीनेम वगैरह जो भी है। फिलहाल मुझे ये फील्ड चाहिए, मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ ओके। अब यहाँ पर जैसे मैं फर्स्ट नेम डालूंगा, मैं अपना डाल देता हूँ यहाँ पर रवि स्वामी। कंट्री कंपनी नेम डाल देता हूँ जैसे मेरा लर्न एक्शन, ठीक है। सिटी हो जाएगी जयपुर और कंट्री हो जाएगी मेरी इंडिया, ठीक है। अगर दूसरा पर्सन का करना है आप तो जस्ट टैप क्रिएट कर दो, ऑटोमेटिक दूसरे पर्सन पे लेके आया जाएगा। यहाँ पे मैं बताता हूँ रोनिल वर्मा, ठीक है। ये एक उड़ान कंपनी में काम करता है और ये है उदयपुर से, ठीक है। यहाँ पे सपोज करो डेटा डाल रहा हूँ सिर्फ दोस्तों में यहाँ पर, और ये हो जाएगा इंडिया, ठीक है।
अब जैसे आप और करोगे यहाँ पर तो नेक्स्ट टैप करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपके पास में वो फील्ड आ जाएगी। तो यहाँ पे आप डेटा ऐड कर लीजिए उनका जिसको आपको डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, ठीक है। और आप जैसे ओके प्रेस करोगे तो आपको ये सेव पे ले जाएगा दोस्तों, सेव करने के लिए। यानी कि जो ये एड्रेस लिस्ट है यदि आप बार बार इनको यूज करना चाहते हो तो आप यहाँ पर इसको सेव भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ डेटा के नाम से और यहाँ इसको सेव कर देता हूँ ताकि हम दोबारा कभी यूज करें तो वहां से इसको डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं हम, ठीक है। ये हमारा हो गया है। अब फिर हम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें इंसर्ट मर्ज फील्ड, यानी कि जो हमने फील्ड कर लिए थे वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे, ठीक है, इंसर्ट मर्ज फील्ड के अंदर। उससे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा डेटा क्रिएट कर लेता हूँ कि मुझे जो डॉक्यूमेंट है ये वाला, जो मुझे ये पैराग्राफ है, लेटर है, ये मुझे सभी को सेंड करना है एक साथ में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां से इंसर्ट मर्ज फील्ड पे जाएंगे। जैसे मुझे फर्स्ट नेम लेना है, ठीक है, और स्पेस कर दो आप यहां पर यदि कंटिन्यू लास्ट नेम लेना चाहोगे तो, ठीक है, फिर एंटर प्रेस कर दो। उसके बाद में फिर मुझे कंपनी नेम लेना है, ठीक है, फिर एंटर प्रेस कर दो। और फिर मुझे यहां पर उसकी सिटी स्पेस और उनका कंट्री, यहां पे मुझे इस प्रकार से डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट है वो यहां पे इस प्रकार से चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आप ग्रेटिंग लाइन भी क्रिएट कर सकते हो दोस्तों, जैसे यहाँ पर आपको एग्जांपल दिख जाएगा, जैसे देखो डियर रवि स्वामी, ठीक है। यदि आप यहाँ पे कुछ अलग चेंज करोगे तो यहाँ पे देखो सिर्फ डियर हो जाएगा यहाँ पर, जो भी हो आप यहाँ पे फील्ड चेंज कर सकते हो, टू होम इट मे कॉन्कर्न, ये भी आप ले सकते हो यहाँ पर। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे ग्रेटिंग भी ले सकते हो, ग्रेटिंग लाइन आ गई है जो भी आपने फील्ड किया है। और यहाँ पर इसके नीचे यहाँ पर मैं डाल देता हूँ एक बार, ठीक है। यहाँ पे यदि आपको एड्रेस ब्लॉक भी लेना है, फिलहाल मुझे एड्रेस ब्लॉक में देखो आपके यहाँ दिख रहा होगा रवि स्वामी, सपोज करो मुझे ये नाम नहीं चाहिए, सिर्फ यहाँ पे लर्न एक्सल जयपुर लिखा हो, यानी कि कंपनी नेम इंसर्ट करना है और मुझे पोस्टल एड्रेस इंसर्ट करना है, ठीक है, और ये इंडिया वगैरह जो भी है ऑलवेज आए, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से आपको शो हो रहा होगा, ये एड्रेस आप ब्लॉक यहाँ पे ले सकते हो इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल मैं एड्रेस ब्लॉक को हटा देता हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ पर हाईलाइट भी कर सकते हैं कि हमने कौन कौन सी इंसर्ट करी है, तो हाईलाइट यहाँ पे मर्ज फील्ड हो गया, जो हाईलाइट दिख रहे हैं आपको वापस अनहाइलाइट कर दो यहाँ पर। अब मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में यहाँ पे क्या शो होगा यहाँ पर। तो हम यहाँ पे क्या जाएंगे, प्रीवियस रिजल्ट पे यहाँ पे जाएंगे। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर डियर रवि स्वामी, ठीक है, ये ग्रेटिंग हो गया अपना और यहाँ पर आ गया रवि स्वामी लर्न एक्सेल जयपुर इंडिया, यानी कि ये सब कुछ यहाँ पर एक लेटर क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मेल मर्ज से यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे प्रीवियस पे वापस अनचेक कर दो तो आपको वापस ये लाइन आ जाएगी यहाँ पर। अब हमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, जस्ट हमें फाइनल पे जो फिनिश एंड मर्ज है इस पे क्लिक करना है और फिर एडिट इंडिविजुअली डॉक्यूमेंट है इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऑल है उस पर हम यहाँ पर क्लिक करना है। या फिर आप करंट रिकॉर्ड पे करना चाहते हो, सिर्फ जो मुझे करंट पेज है इसी पे करना है, या फिर मुझे एक पेज से लेके कि पांच पेज तक करना है सिर्फ यहाँ पर, तो आप यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो। फिलहाल मैं ऑल कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और मैं जैसे ओके प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर जयपुर डियर रवि स्वामी यहाँ पे हो ही चुका है। फिलहाल ये डॉक्यूमेंट तो क्रिएट हो ही चुका है, लेकिन जो मुझे सेकंड पर्सन था उसका भी यहाँ पर हमने क्रिएट हो चुका है, देखो यहाँ पर दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देखोगे दूसरा पर्सन जो डियर रोनिल वर्मा रोनिल ये आ गया, उसका उड़ान उदयपुर इंडिया। तो सेम लेटर यहाँ पर जो हमने लिस्ट में ऐड करे थे पर्सन उनके लिए यहाँ पे ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया है। तो हम यहाँ पर मेलिंग मेन्यू के थ्रू यहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ किसी को सेंड करने के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो यूज किया जाता है ये मेलिंग एड्रेस वो इसी कारण यूज किया जाता है, जैसे सेल स्लिप क्रिएट करना हो, कुछ लेटर्स होता है जो सेम सभी को भेजना होता है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इनको मेलिंग एड्रेस को सेंड कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे आज हमने सीखा है मेलिंग मेन्यूज के अंदर यहाँ पर हमने सब कुछ किस प्रकार से यूज किया जाता है इसका, ठीक है दोस्तों। तो आज हमने सीखा है मेन्यू मेन्यू और हम नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे रिव्यू, जो हमारा नेक्स्ट मेन्यू है वो रिव्यू, इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, और ये सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हाँ कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और हाँ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब बटन और उसके पास में जो बेल आइकन है उस पर भी कर दीजिए, जिस पे करके आपने ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे
कुछ भी वीडियोस की नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो हैव अ नाइस डे, बाय बाय दोस्तों।